हेलो गाइस, वेलकम हमारे चैनल कंट्री एक्सप्लोरर में आज आपका स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं श्रीनगर के डल लेक में एक हाउस बोट स्टे। और आज का हमने जो हाउस बोट यहाँ पे बुक किया है उसका नाम है हाउस बोट वाइट हाउस। और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद, काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही हमने ये हाउस बोट बुक किया है। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर के मशहूर डल लेक पे और हम अभी खड़े हैं करीब घाट नंबर 8 पे। और हमारा जो हाउस बोट है वो उसके लिए हमें जाना है घाट नंबर 12 पे। तो हम यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाएंगे, बहुत ही करीब में ही है, लेकिन हम यहाँ पे 8 घाट नंबर से लेके 12 तक चल के जाएंगे। और आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सारे डल लेक पे जो हाउस बोट्स हैं, तो ये सारे आप इन पे से आप चूज़ करके बुक कर सकते हैं। कोई भी जो हाउस बोट आपको पसंद हो तो इनमें से चूज़ करके आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर ऑन स्पॉट भी आप ये हाउस बोट्स बुक कर सकते हैं। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप पहले से ही, एक हफ्ता पहले से ही इसकी बुकिंग करके रखें, जैसा कि हमारा जो वाइट हाउस बोट है जिसकी आज हमने बुकिंग कर रखी है। तो हमने भी अपना हाउस बोट करीब 3 दिन पहले ही बुक कर रखा है और अब हम जा रहे हैं घाट नंबर 12 से, जहां से हमें एक शिकारा लेने आएगा जो हमको हाउस बोट वाइट हाउस तक लेके जाएगा। तो गाइज़ ये जो वाइट हाउस बोट आज हमने बुक किया है, ये हमने काफ़ी रिसर्च और काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही बुक किया है। हम चाहते थे कि आपको एक बेस्ट पॉसिबल बजट हाउस बोट का स्टे दिखाएं, तो इस वजह से हम करीब 1 साल से ये रिव्यू कर रहे थे कि हम कौन सा हाउस बोट चूज़ करें। तो फाइनली हमने ज़ीरो इन किया वाइट हाउस बोट और आज हमने इसको यहाँ पे आपको दिखा दें कि हमने इसको अगोड़ा से बुक किया और ये करीब कॉस्टिंग हमें पड़ा करीब 3000 आफ्टर डिस्काउंट्स। तो डिस्काउंट्स के बाद हमें ये 3000 का रूम पड़ा जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट जो है इंक्लूडेड था और काफ़ी कहूँगा बजट में ही पड़ा। बिकॉज़ अगर आप इसकी रेट्स की बात करें तो ये ऊपर नीचे होता ही रहता है बेस्ड ऑन द सीज़न, और सीज़न के हिसाब से जो हाउस बोट या फिर होटल्स है श्रीनगर के आसपास, तो उनका जो रेट है वो चेंज होता जाता है। और अभी जैसा कि आपको बता दूं, अभी ऑफ सीज़न है, अभी जो अक्टूबर का महीना है या नवंबर में, तो काफ़ी कम रश रहता है कंपेयर टू मार्च से लेके जून तक। तो उसमें शायद आपको जो कॉस्ट है होटल्स या फिर हाउस बोट्स का वो थोड़ा अपर साइड में पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये जो अगोड़ा से बुक किया है, बिकॉज़ हमें अगोड़ा से थोड़ा सा ये बेनिफिट था कि हमारे प्रीवियस पॉइंट्स कुछ पड़े थे अगोड़ा में, तो जो हम यूटिलाइज़ करना चाहते थे इस बुकिंग के लिए। और अगर मैं फ़ाइनल प्राइस की बात करूँ तो करीब 3000 का जो हमें इसमें ये कॉस्टिंग पड़ा, उसमें से हमें 700 पॉइंट्स या 700 रुपीज़ वापस मिलेंगे आफ्टर 2 मंथ्स अगोड़ा की तरफ से। जी हाँ गाइज, 2 महीने के बाद 700 रुपीज़ के पॉइंट्स हमें वापस मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो करीब 2300 का ये रूम पड़ा हमें, लेकिन अभी जो हम पे कर रहे हैं वो करीब 3000 है और 2 महीने बाद हमें 700 के पॉइंट्स वापस मिलेंगे जो हम आगे की बुकिंग्स में यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो रही आफ्टर बुकिंग, जैसे ही हमने अगोड़ा से इस हाउस बोट को बुक किया तो विदिन 5 मिनट्स ही हमें हमारे पास ये जो हाउस बोट वाइट हाउस है, तो इसके ओनर का फ़ोन आया हमारे फ़ोन पे। तो उसने हमें गाइड किया कि हम कैसे इनके हाउस बोट तक पहुँच सकते हैं। तो हमें गाइड किया गया कि आप जैसे ही डल लेक पहुँचते तो वहाँ पर घाट नंबर 12 पे पहुँचे। और जैसे हम घाट 12 पे अभी खड़े हैं तो यहाँ से हमने फ़ोन किया हाउस बोट ओनर को, तो यहाँ से हमें जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि एक शिकारा भेजा गया और विद इन 5 मिनट्स में ही ये सारा कुछ हो गया। तो काफ़ी इजी रहा हमारा जो यहाँ पे बुकिंग से लेके यहाँ तक पहुँचना और हाउस बोट को लोकेट करना, बहुत ही इजी प्रोसेस रहा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ,
हमने जो अपने हाउस बोट में जो बुकिंग किया है उसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो गाइज यहाँ पे हमें जो अभी आप देख रहे हैं ये हाउस बोट से एक शिकारा लेने आया है जो हमको लेके जाएगा अपने हाउस बोट की तरफ। सो गाइज अभी हम बढ़ रहे हैं अपने हाउस बोट की तरफ और यहाँ से आपको शिकारा लेने आता है। जब भी आप हाउस बोट की बुकिंग करते हैं नाइट बुकिंग, तो आपको यहाँ से घाट से एक शिकारा लेने आता है और आप उसी शिकारा से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। गाइज बिल्कुल 5 मिनट से भी कम का जो ड्यूरेशन था ये राइड हमारा। सो हियर वी आर, यस। सो दिस इज आवर हाउस बोट फॉर टुडे, HB व्हाइट हाउस। और यहाँ से घाट का जो डिस्टेंस है मुश्किल से 100 मीटर्स का होगा, घाट 12। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक LED TV भी है। आपको यहाँ पे अभी जो वेदर है, वेदर काफ़ी अच्छा है अभी, यहाँ पे आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आप चाहते हैं तो AC रूम्स भी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये रही हमारी लॉबी, ठीक है। ओके, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत रूम है यहाँ का, बहुत ही ब्यूटीफुल, और यहाँ का व्यू भी बहुत ही अच्छा है गाइस। बिल्कुल आपको माउंटेन व्यू भी है, आपका लेक व्यू भी है, सब कुछ यहाँ से चारों तरफ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो एक साल से हम पूरा ट्राई कर रहे थे इस हाउस बोट में आने का, बट टाइम की वजह से नहीं आ पा रहे थे, और आज हम आपके साथ ये पूरा जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये यहाँ का वॉशरूम, बहुत ही बड़ा वॉशरूम है गाइज, इंग्लिश टाइप कमोड। उसके बाद आपका वॉश बेसिन भी है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ का आपको एक बाथटब भी मिलता है, हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम मिला है आज। तो गाइस इवनिंग में हमने एक शिकारा राइड लेने का जो प्रोग्राम रखा था, और हमने अपने हाउस बोट से ही एक शिकारा बुक किया था, तो जिसके लिए हमने करीब 700 रुपीज़ पे किए, और इसके साथ हम करीब 2-2.5 घंटे हम पूरा जो डल लेक है वो घूमे। और हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि अगर आप जो शिकारा राइड है तो इवनिंग में ही उसको प्लान करें या फिर अर्ली मॉर्निंग में, बिकॉज दिन का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर आप विंटर में करते हैं तो तब कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये हाउस बोट स्टे और ये शिकारा राइड समाप्त होता है। हमें लगता है कि आज का आपका ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा, तो कमेंट करके या फिर शेयर और लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा
कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे जाके हम कौन कौन से वीडियो आपके लिए और लेके आएं।